I get this feeling I wanna run away. Hit the highway and never look back. I wanna watch it fade away in the rearview mirror. Won't get lost cause I've been really off track. नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया से होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आज के इस वीडियो में आपके साथ कुछ मेहनती काम शेयर कर रही हूँ। आई होप कि आपको भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती होगी जब गर्मियाँ होती हैं और घर के बड़े बड़े काम हमें करने होते हैं, यानी डीप क्लीनिंग हुई, स्टोर रूम की क्लीनिंग हुई, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। फिलहाल आज के वीडियो में आपके साथ स्टोर रूम की क्लीनिंग और काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशन टिप्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आई होप कि आपको हेल्प करेंगे। अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाइएगा मोर नोटिफिकेशन के लिए। चलिए फिर आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। स्टोर रूम एक ऐसी जगह होती है जिस पर सिर्फ हम चाहते हैं कि कचरा ही कचरा भरा रहे, यानी कि जितना भी एक्स्ट्रा घर में सामान होता है, चीज़ें होती हैं, सब इसी में डंप होती जाती हैं, चाहे मैं हूँ या किसी का भी हो। ये हाल कुछ दिनों बाद हो ही जाता है, कितना भी सेट कर लो। फिलहाल मैं सेट किए रहती हूँ, अभी घर गई थी तो बहुत सारा सामान इसमें इकट्ठा हुआ था और मैं सोच रही थी घर से जब लौट के आऊँगी तो मैं इसको अच्छे से क्लीन करूँगी। गर्मियाँ हैं तो कुछ दिन से हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं स्टोर रूम में जा सकूँ, ना तो कोई फ़ैन ना लाइट ना कुछ था, तो फिलहाल करना ही तो था। तो मेहनत वाले काम होते हैं, बस एक बार सोचना है कि मुझे ये करना ही करना है तो हो भी जाता है आराम से। तो सबसे पहला काम था स्टोर रूम को खाली करना, क्योंकि इसमें बहुत एक्स्ट्रा सामान भी है जो मुझे बेड बॉक्स में डालना है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको वॉश भी करना है। तो सारा ही सामान बाहर निकाला और यहाँ पर ही मैंने अभी फ़िलहाल शूज रैक भी रख दी है, क्योंकि वो बहुत पुरानी हो गई है और मैं अभी चेंज नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि बहुत ही जल्द मैं फिर से ट्रांसफ़र होने वाला है और मुझे यहाँ से फिर से खाली करना पड़ेगा। तो अब जहाँ जाऊँगी फिर देखूँगी कि क्या करना है। और शो इसीलिए बहुत कम सामान ऐड ऑन हो रहा है घर में, कोई भी मैं नया सामान परचेज नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जब खाली करना ही करना है तो कोई फ़ायदा ही नहीं कि कोई नई चीज़ लूँ। यहाँ पर सारा क्लीन किया, झाड़ू लगाई और कुछ जो बैग वगैरह थे उनको इस तरह से आप पुराने टॉप कुर्ती से कवर करके रख सकते हैं जो यूज़ नहीं होते। तो ये वाला मेरा यूज़ नहीं होता है, वो यूज़ होता है, तो उसके ऊपर सिंपल ही डालूँगी, कोई भी कपड़ा हो या कोई भी पेपर वगैरह हो डाल दीजिए, इससे कवर हो जाएंगे। एक ऊपर नीचे है तो फिर मैंने सोचा इसके नीचे कुछ रख देते हैं। तो कुछ एक्स्ट्रा मेरे पास ये पड़े हैं पैरदान डोरमेट जिनको मैं अल्टरनेट यूज़ करती हूँ, तो उनको मैंने यहाँ पर रख दिया, क्योंकि अंदर रखूँगी फिर मैं भूल जाती हूँ कि मुझे ये भी यूज़ करने हैं और एक ही चीज़ यूज़ होती रहती है। सो यहाँ पर इक्वल किया और डाल दिया, क्योंकि इसके ऊपर भी हम एक्स्ट्रा सामान रख सकते हैं, कोई भी सेल्फ वगैरह नहीं है तो सिंपल नीचे ही रखना है सारा सामान। और ये मेरा कबाड़ा है जो मैं हमेशा इकट्ठा करती रहती हूँ, तो वो भी स्टोर रूम में ही रहता है, क्योंकि बाहर कहीं रखेंगे तो फिर वो सामने दिखता है। एक स्टोर रूम ही है जिसको मैं ना तो सूट होती है, ना कोई आता जाता है, ना किसी को दिखता है, तो सारा ही एक्स्ट्रा सामान इस स्टोर रूम में रहता है। मेरे जो भी DIYs का सामान होता है, कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा हो जाती हैं जिससे मुझे कुछ ना कुछ क्रिएटिव करना ही होता है, तो वो भी यहाँ होता है। जब कुछ दिनों बाद मैं यहाँ की डीप क्लीनिंग कर रही हूँ तो देखिए कितना सारा कचरा इसमें से निकल आया है। सो डीप क्लीनिंग इसीलिए ज़रूरी होती है कि जो भी एक्स्ट्रा सामान हम अपने घर में जमा करते जाते हैं उसको हम निकाल कर फेंक दें। तो बहुत सारा निकल आया है, क्लीनिंग मैंने अच्छे से कर ली है। अब बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर रखी थी जिसको मुझे रीअरेंज करना है। एक्स्ट्रा बर्तन होते हैं, एक्स्ट्रा कपड़े होते हैं, वो भी स्टोर रूम में रहते हैं, शूज स्लीपर्स भी स्टोर रूम में रहती हैं। तो मेरे हिसाब से एक एक्स्ट्रा स्पेस घर में होना बहुत ज़रूरी है। पहले घर में मेरे पास स्टोर रूम नहीं था तो एक एक्स्ट्रा वॉशरूम था जिसको यूज़ नहीं करते थे तो उसमें रख दिया करती थी, बट यहाँ पर मिल गया है। तो ऐसे ही एक्स्ट्रा कोई कॉर्नर आप भी देख लीजिए अपने घर में, बालकनी में या कहीं पर भी जहाँ पर कोई आता जाता नहीं है, जहाँ पर आपको बहुत ही कम जाना होता शो, वहाँ पर आप अपना एक्स्ट्रा सामान डंप करके रख सकते हैं, जब भी टाइम मिले अरेंज कर सकते हैं। तो अभी मुझे फ़िलहाल टॉयस भी रीअरेंज करने थे, डीक्लटर करने थे, तो मैंने सारे ही निकाल के रख लिया और मुझे समझ नहीं आ रहा था अब कहाँ से शुरू करूँ, क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे से हो जाते हैं जो सारे ही मिक्स हो गए थे। मैं सेपरेट करके रखती हूँ बट कुछ दिनों से कई बच्चे आ रहे थे तो सब लोग खेलते थे तो बार बार यहाँ वहाँ हो जाते थे और मुझे टाइम भी नहीं मिलता था। तो आज फाइनली सोचा चलिए अब फिर
एक दो महीने के लिए इनको रीअरेंज करके रख देते हैं। तो सारे ही मैंने जितने भी पजल्स वगैरह थी, जितने भी छोटे छोटे टॉयज थे, सारे को अपनी अपनी जगह पर रख दिया है। सभी के बॉक्सेस थे, सभी के जो पजल्स थी उनके भी इस तरह के बैग्स थे, तो सबको मैंने सेपरेट करके रख दिया है। जो भी एक्स्ट्रा निकले, जो ख़राब थे, उनको मैंने हटा दिया है, क्योंकि खिलौने फेंकने में तो अच्छा नहीं लगता है, बट जो बिल्कुल भी अनयूज हो ना, यूज़लेस हो, उनको डिक्लटर करना ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो इस तरह की एक बड़ी बास्केट है जिसमें मैंने जो डिफरेंट डिफरेंट तरीके के होते हैं ना, छोटे छोटे से टॉयस, उनको रख दिया है। उसके बाद इस तरह के जो इस तरह की फॉर्म मैट है ना, उनमें अल्फ़ाबेट्स होते हैं, इसको मैंने ले लिया था। फ़िलहाल बहुत ज़्यादा यूज़ की तो मुझे नहीं लगती है, जगह घेरती हैं। पहले कार्डबोर्ड में रखा करती थी तो दित्या को उठाने में परेशानी होती, तो मैंने इस तरह के बैग में रख दिया था। एक्स्ट्रा बैग पड़ा था और बहुत अच्छे से इसमें आ भी गए थे कार्डबोर्ड में। उसको हैंडल नहीं होते ना, तो उठाने रखने में प्रॉब्लम होती है। तो जो ये साइड में कार्डबोर्ड दिख रहे हैं, इसमें एक्स्ट्रा बर्तन है, एक्स्ट्रा सामान है जो निकालना नहीं पड़ता है, फ़िलहाल बिल्कुल भी यूज़ नहीं होता है और उनको घर में नहीं हटा सकते हैं। तो नीचे साइड में वो रख दिए हैं और जो डोर वाला साइड है उसमें सारे टॉयस रख दिए हैं, ताकि दित्या से छुपा के रख सकें और उसको एक साथ ना दूं। क्योंकि क्या होता है, बच्चे बार बार एक ही चीज़ से खेलते हैं ना, तो बोर हो जाते हैं। और ये कौन कौन करता है कि उसको डिफरेंट डिफरेंट तरीके के टॉयस दे दो और जो पुराने ना छुपा के रख दो, तो क्या होता है, बच्चे बोर नहीं होते हैं और नए नए खिलौने नहीं मांगते हैं। क्योंकि 10-15 दिन बाद आप रिपीट करोगे ना टॉयस, तो उसके लिए वही न्यू होते हैं। तो इस तरह ना ये करके ज़रूर देखिएगा, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा, आपको बार बार खिलौने खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किचन में भी बहुत सारे कंटेनर्स निकल आते हैं जिनको आप टॉयस रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह के बड़े छोटे टॉयस रखने के लिए मैं ये कंटेनर्स का यूज़ कर लेती हूँ, जो प्लास्टिक के एक्स्ट्रा कंटेनर्स होते हैं, तो सेपरेट रहते हैं और सभी अलग अलग जगह पर मिल भी जाते हैं। शो टॉयस भी मेरे रीअरेंज हो गए हैं, बहुत बड़ा काम था जो जल्दी से मैंने निपटा लिया है। और अब ये बैग वगैरह होते हैं जिनको भी मैं स्टोर रूम में ही अरेंज करके रखती हूँ, तो कुछ कागज़ के हैं, कुछ अच्छे हैं, कुछ पतले वाले हैं, सभी तरह के ना एक ही साथ रखती हूँ। अब इसके लिए कोई एक्स्ट्रा ऑर्गेनाइज़र नहीं लिया है, वैसे ही सेम एक झोला टाइप ले लिया है, जो जो बैग रख रहे हैं वही एक बैग ले लिया है, सारे को इसी में रखा है। अब इसको मैंने इस बैग में क्यों रखा है, क्योंकि मुझे ये कोई फर्श पे या कहीं पर नहीं रखना था, हैंग करना था, तो इसके लिए ये ज़्यादा सूटेबल था कि कहीं पर भी इसको हैंग कर लूँ। अब स्टोर रूम में कोई आता जाता तो है नहीं कि वो डर्टी सा लगे, अगली सा लगे, तो यहाँ पर मैंने हैंगर में सारे बैग वगैरह अरेंज कर दिए, तो बहुत अच्छे से अरेंज हो गए हैं। तो देख सकते हैं आप बिफ़ोर एंड आफ्टर लुक, सारा ही अच्छे से अरेंज हो गया है। और एक बड़ा काम मेरा निपट गया है, तो मैं भी अब फ्री हो गई हूँ। तो ये बैग अभी एक्स्ट्रा जो रखे हैं, हस्बैंड ऑफिस चले गए थे तो मैंने बैग बॉक्स नहीं खोला है, उसके अंदर चले जाएंगे और सारी ही चीज़ें अच्छे से क्लीन हो गई हैं। ओके दोस्तों, आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। आया है तो जल्दी से एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिएगा। अब आपको मिलते हैं नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।